तेरे एक होर मारता ना मर जाना तू। लक्कड़ दे बल्ले वर्गा तेरा शरीर आकड़ देख लै किन्नी चक्की फिरदा। ओ लक्कड़ दे बल्ले वर्गा तेरा शरीर वीरे, लक्कड़ दे बाहां दे ही लोका ते घर टिके हुंदे ने। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई नए साल का मेरा पहला व्लॉग है, तो तुम सब भाइयों को और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। भाई सब अच्छे से रहना, फुल मेहनत करो, फुल कामयाबी करो, तरक्कियां करो, सब भाई ये करो, ठीक है। तो भाई अब इतने दिनों से तो व्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि इनकी बकचोदियाँ नहीं खत्म होती। पहले यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, तो मैंने सोचा अब सीधा चलो सीधा बाहर का ही व्लॉग दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ का दिखाऊंगा नहीं। बट पता नहीं, तुम्हें पता ही है गिनने के, तुमने व्लॉग में देखा ही होगा और उसके चिकचिकबाजी, कभी ये मना कर रहा है, कभी वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। तो फाइनली भाई आज मैंने फ़ोन उठा लिया अपना, और भाई सुबह सुबह अटाउन की तरफ से इतना प्यारा मैसेज आया और प्रॉपर इतने इसके सामान आए, वीडियो डाल दूंगा, देख लेना थोड़ी देर के लिए। तो भाई आज क्या करना है समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी तो मैंने अपनी फर्स्ट मील ले ली, अपना ओट्स शेक और क्या कहते हैं अपना, उसमें पीनट बटर वन स्कूप प्रोटीन डाल दिया था एटॉम का ही, मैंगो फ्यूजन फ्लेवर, भाई एक नंबर फ्लेवर है भाई, मज़ा आ जाता है उसको तो खा के। भाई क्या करें, अब आज का दिन गिन्ना भी नीचे आ गया, गिन्ना देखो कुत्ते को घुमा रहा होगा, देखते कहाँ पर है वो। दो कुत्ते घूमते हुए भाई, कहीं का प्लान तो हो नहीं पा रहा था, बट मैंने उसको बोला भाई तुझे कसम है कल वृंदावन चल रहे हैं, तूने हाँ बोली है, बता गिन्ना बता तूने अभी हाँ बोला है, तुझे गुस्से की कसम सच बता दे। भाई छोड़ो यार क्या बोलूँ भाई, अगर ये लोग चले ना चले मैं तो अकेले सोलो ट्रिप पे निकल जाऊंगा, मतलब वृंदावन निकल जाऊंगा, उसके आगे देखूंगा कहाँ जाऊंगा, ठीक है। क्यों तो भाई ये अपना ऑल स्टैक का एक और नया निकाला था भाई, ये भी जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन में आज तुम्हें लिंक डाल दूंगा, जाके ये भी परचेज कर लेना भाई, क्योंकि अब 10 ही बचे मेरे ख्याल से, ये भी 10 बचे हैं भाई, हट ये भी क्या है, ये भी ऑल स्टैक का, चलो चल तो 10 पड़े में भाई, जल्दी से जल्दी ले लेना, मैं तुम्हें डाल दूंगा, कल सुबह व्लॉग आ जाएगा, परचेज कर लेना जिन भाइयों को करना होगा, और कूपन यूज़ कर लेना और सस्ता पड़ जाएगा। सो गाइज अभी एक बच्चा मेरे से मिलने के लिए आ गया था, मेरे व्लॉग देख देख के मेरे से मिलने के लिए आ गया था। अब भाई आता यार, इतने गाइस दांत टूटे हुए हैं और ये ना जूते को घूसा बोलता है ना। जब से मैं ऑल स्टैक का मालिक बन गया, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनको एक हुडी गिफ्ट करता हूँ, ले भाई तू भी एंजॉय कर जा, ठंड ना लगे, बचे रहियो और लोगों को भी दिखाते रहियो कि ले जाके। हाँ जी, तो गाइस अब आ गए फिर से बेलापंती करने के लिए, होगी अपनी ट्रिप ऑन, देख लड़की लवड़ी ओए रे वैभव, क्या नहीं नहीं आ जा वैभव भाई, थोड़ा नारियल पानी पी लेते हैं, थोड़ा फिर मिलते हैं, एनर्जी आ जाएगी थोड़ी। तो गाइस बड़े दिनों बाद हो गए, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, तो अब मन कर रहा है कि छोले कुलचे खा लूं और वो कचौड़ी भी खा लूं। मार के आया क्लबिंग में, पागल है क्या, वो तो क्लबिंग है, मैंने खाने की बात कर रहा हूं, क्लबिंग में कुछ खाता थोड़ी है, तो मैं सोच रहा हूं जा तो कुछ चेक करा, छोले छोले कुलचे खा के आता हूं, छोले कुलचे वाले में मिलते भाई, छोले कुलचे वाले में ले ले जल्दी से, खाली अपर और डिक्लाइन करी थी हमने, आरिफ बोला एक्सपोज बाहर का खा रहा है, हो अपने व्लॉग में, हो काफिला आ गया पूरा अपना काफिला। देखो आज मेरा व्लॉग बन रहा है, आज बहुत होगी इनके में, तो बकचोदी चलती रहती है, बट इस बार हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। ओए एक बात बता, बात मैंने बता, सारे बंदे बैठ गए हैं, ओ काफिला तो होगा मेरे यार दा, वैष्णो देवी की टिकट बुक कर दे, पैसे की टेंशन मत लीजिए। तो ओके गाइस फाइनली वैष्णो देवी की ट्रिप हो गया, मंडे को मेरी निकल जाएंगे, सच्चे दोस्त वो हैं जो खातिरदारी करते हैं, थैंक यू तुषार भाई, साला सिक्का तो वैसे ही बैठा रहता है। गाइस देखो जब घर पे खाने पीने को नहीं मिलता, यहाँ पे काजू बादाम इसको पहली बार दिखे, ये उठ ही नहीं रहा, फिर बादाम चाहिए भाई, शर्मा ने काजू पूरे खत्म कर दिए, तो इनके पैसों को थोड़ा था, शादी का कोई आया था मिला था उसका घर था, ना लाइट बड़ी आ रही है यहाँ पे है? पर तेरी शक्ल गंदी की गंदी, तुझे कुछ कह रहा है भाई। ओले 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 जल्दी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा यहाँ पे, व्लॉग्स चैनल चलना चाहिए हमारा, दहेज का टीवी आने दे बस भाई,
ओ सॉरी लैला भाई कुछ कहना चाहोगे भाई? पियो भाई पी, दबा के पी, इसमें टच नहीं आएगा। एटॉम का पियो तू। ये तो Q&A पी रहा हूँ। अमन यू नो व्हाट टू डू। पागल कर गई मेरे भाई को। अमन पागल कर गई मेरे। चले जाओ आज यहीं से ले लो। सो ओके गाइस, फाइनली अपना वो हो गया पूरा आज का कोटा। अब जा रहे हैं जिम, हो गया टाइम पास, देखते आगे क्या करते आगे क्या नहीं। चल भाई चलो। जी तो गाइस अपा हो गया जिम के लिए रेडी। चला भी रहे गाने, चला गा रहे नहीं मन ने चीजें। तो अब चलते हैं सीधा जिम के अंदर और आज बढ़िया वर्कआउट वो भी दिखाऊंगा आज वीडियो में। कॉपी वीडियो भेज ने तुसी गाने कटे ने ओने नट्टी उते पया मेरे लीक बलिया ओ शेरावा। सो गाइस देखो ये मजनू का टिकला वाला बंदा आ गया जो यहां पे बेचते नहीं है। इधर आवे बेचते हैं देख इधर दिखा। आए आउटफिट चेक कर भाई का, फुल दिख रहा है भाई BMW वाला लड़का जा रहा है कोई। देखो अभी हम नीचे खड़े हुए थे पूरा सब वेट कर रहे हैं, साथ ही आया था हमारे बट पता लड़की थी वैभव को रोक लिया। यार ये कौन सी वाली थी कौन फोन वो भी ऐसे धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में आई थी गाइस, फिर देखना कैसे बाहर चली जाएगी एकदम से देखना। रिग्रेट होता है कि क्यों एनी टाइम की मेंबरशिप मैंने यहाँ पे ले ली यार। जब देखो 24 घंटे लिफ्ट ही खराब रहती है इनके, पीछे से जाना पड़ता है भाई। मैं रो रहा मांग ले अपनी है? फीस वापस मांग मुझे लग रहा नहीं 25 में 5 वापस मांग लूंगा, कहूंगा 20 ले लो मैं तो लिफ्ट से नहीं आता मैं। तूने तो दी 20 है 25 में 5 कैसे मांग लिया भाई? किन्ने कभी ना चुप रहा कर यार भाई मेरे। सो गाइस मुझे ना बहुत सीक्रेट बात पता लगती है कि मुझे आवाज बननी है तुम सबकी। ऐसी ऐसी चीजें पती है बट कई लोग होते हैं बोलने नहीं देते भाई। बोलने दबा मत। तो गाइस नहीं बोल रहा भाई, आवाज बननी है मुझे। अबे रुक जाए एक मिनट, कपड़े फाड़े हैं क्या? कपड़ा नहीं फाड़ रहा हाथ क्यों दिखा रहा? मत करा कर भाई ऐसे गलत काम, तुझे अभी भी समझा रहा हूँ मैं। गलत कैसे? बहुत गलत काम कर रहा है तू। तो ओके गाइस टुडे वर्कआउट विद माय मशीन ब्रो। आज मशीन के साथ होगा तगड़ा वाला शोल्डर। सब मशीन चेक करते हैं मशीन भाई के साथ कैसा वर्कआउट होगा शोल्डर का। तो बने रहिए इस गाइस, बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको दिखेगा कि अपने शोल्डर को कैसे बाउल करने। आते हैं यूट्यूबर, फिर आते हैं उससे बड़े यूट्यूबर, फिर आता है हमारा लैला भाई। नहीं नहीं ये मजा नहीं है, बेस्ती वाली बता। एक आता है छोटा, एक होता है दिलिंदर, एक होता है महादिलिंदर, फिर आता है अपना लैला। गुड क्रैम्प आ गया क्रैम्प। पहले करेंगे मैं किक से लेट हो गई, लेट आया। करण बोला जी हट जाओ, शोल्डर बनाने आज मुझे। चल चल पाँच चार और ले लो, चार और तो थोड़ा और नहीं चला। चल चल हाँ हाँ पुश कर, बढ़िया बढ़िया भाई। बस मैंने ये ले लिया था ओवरहेड प्रेस में, बिल्कुल मैं लास्ट पर गया पूरा, जितनी मैं फेलियर मार सकता था हमारा। अब उसके बाद साइड रेस, साइड रेस की देखते हैं कहाँ। वैसे तो मैं नॉर्मल 5 या 7.5 से 10 का नहीं उठा पा रहा बट आज कोशिश करूँगा कि 10 भी जा पाऊँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गुड भव्या गुड, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है तेरी। फाइनली साइड रेस भी 10 से मैंने आज कर लिया है। बहुत देख रहे हो भाई, बहुत मजा आ रहा है। साइड रेस देख रहे हो अभी तुम भी। अब ये कौन सी करनी है? ये फ्रंट रेस है। फ्रंट रेस भाई, रोप से फ्रंट रेस ले रहे हैं ठीक है। चेक करते हैं अब इसका भी क्या सीन है। चली हो गई है पहले फ्रंट रेस, अब रियर रेस फ्लाई ले रहे हैं, देखते हैं इसका भी कितना जाता है, कितना नहीं जाता उतने पर हम देखेंगे ठीक है। मिलते हैं। तो गाइस रेयर डेड फ्लाई तो मेरे से हो नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल खराब आ रही थी। तो मैं कर रहा हूँ कौन सी कह रहा था तू, कौन सी करनी है? फेस पुल, फेस पुल। तो मैं फेस पुल अभी जाकर ट्राई कर रहा हूँ, वो हो जाएगी शायद से, देखते हैं। हेलो ऊपर
शख्स वाली ये भी देखा बहुत मजा आता है। वैसे नॉर्मल बंदे डंबल से लेते हैं या वो उससे लेते हैं, क्या कहते हैं, मशीन से रॉड से लेते हैं, डंबल से लेते हैं शख्स, पर मैं इससे लेता हूँ मशीन से, क्योंकि बिल्कुल फील करके आता है जो आता है ना एंड में छोटू, वो सबसे बेस्ट आता है भाई। ये कम्प्लीट हो गया मेरा आज का शोल्डर का, बट मनीष कह रहा है कि अब नहीं यार आर्म्स से कर लेते हैं, आर्म्स करेंगे ना, मगर शोल्डर तो आर्म्स भी करते हैं, वो देखते हैं आर्म्स की कुछ होगी वो बताया भाई। यस सर, और भाई सर पूरे जिम में देख लो कहीं भी आयुष बोला नहीं दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज क्यों कहाँ पे गया वो बता नहीं सकते, बट समझ जाओ तुम। सो ओके भाई, फर्स्ट ये आर्म्स की मारी है इजी कर्ल्स राइट। हाँ हाँ भाई, ना वेट देखता ना कुछ सीधा उठाना शुरू कर देता है, मिनी क्लिप्स। ओए 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 ओए, वेट भी दिखा देते हैं, हैवी मार रहे हैं भाई साहब, वेट को देखते हैं हम भी, देखते हैं। So, okay guys, ये भी डन हो गया, अब डंबल्स कर्ल्स करेंगे, इसमें भी पूरा चार गया, पूरा जितने भी क्या कहते हैं अपना फेलियर तक मारे थे, और बाकी ड्रॉप सेट, पागल है क्या तू, दैट्स इट, ड्रॉप सेट ले दे इसमें भी। अब कौन सा तो? कौन सा अब हैमर कर्ल्स करते हैं, हैमर 64 ही लेंगे इसके भी। ओके चलो फिर अब हैमर में मिलते हैं। तो ओके गाइस, उसके बाद मैंने वो भी कर लिया, क्या कहते हैं अपना आर्म्स भी कर लिए। यस ब्रदर, ठीक है, थैंक यू मनीष भाई, वर्कआउट करके मज़ा आया आज का। तो अब देखते हैं कुछ डाइट वाइट चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे क्या प्लान है। सो ओके गाइस, फाइनली एक और गुड न्यूज़, मन्नू चौधरी आ रहा है पटेल नगर, अब देखते हैं उसके साथ भी कुछ करेंगे। आज का ये व्लॉग पूरा एक घंटे का खींचेगा, तो भाई देखते हैं ये क्या सीन है। सर आयुष बोला फिटनेस इतने हम्बल पर्सन है कि वो बीच में वर्कआउट अपना छोड़ के चले जाते हैं, बहुत हम्बल पर्सन है भाई। चले इसके ऊपर बैठ जा, ये वो नहीं लगता जो सांता के आगे वो घोड़े बन के चलते हैं ऐसा लगता है। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वुल्फ, 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 नाइस। सर आरुष बोला इतने हम्बल पर्सन है कि चिकन वाले मोमोज खा रहे हैं, वाओ अपना आ गया वेज, खाओ भाई वर्कआउट के बाद ये डाइट। सो ओके गाइस, अंकल की चाउमीन बड़ी सेक्सी है, तो हमने सोचा चाउमीन भी ट्राई कर लेते हैं। अब जब कर रहे थे तो ढंग से करे, वो भी तो करके चलेगी भाई पे मेरे पे, पागल करके चलेगी। एक चाउमीन नॉन डाइट वाली यार, डाइट वाली चाउमीन खाएंगे। तो गाइस तुम भी डाइट वाली चाउमीन खाओ, और वैसी चाउमीन मत खाओ, मिलते हैं आपको। और एक और बैड न्यूज़, मन्नू चौधरी नहीं आ रहे, पागल है क्या, मन्नू चौधरी नहीं आ रहा भाई, इसका कोई हो गया रीज़न, तो वो वहीं पर ही करेगा। चलो देखते हैं अब यही आगे कुछ खा पी के फिर चलते हैं। अले वेले, थोड़ी और आगे लेके जाना फोन, थोड़ी और आगे, ये करके मारना फोन, थोड़ी और आगे। ओए आ गई चाउमीन भाई, माँ कसम, पता है मतलब तूने सीधी में बना ली है, मतलब ये 7 या 8 महीने बाद मैं खा रहा हूँ तेरी कसम। ओए मन्नू नहीं है यहाँ पे, छोले कुलचे खा रहा था अबे, तो चाउमीन तो 8 महीने बाद खा रहा हूँ, रोज गंद खाता है फिर कह रहा बॉडी नहीं बन रही, वर्कआउट करता नहीं है, वीडियो कॉल पे लगा रहता है, क्या करें, खैर अब लगे रहते थे बंजा जीरे रहते थे गाइस। जो सच में डाइट वाली चाउमीन है, देखो मशरूम है, गाजर पड़ी हुई है, चाउमीन की क्वांटिटी आप देख सकते हो बहुत कम है, पनीर भी है, शिमला मिर्च है, तो डाइट वाली चाउमीन। हेलो हेलो, ये ले रुको, ये ले रुको, आ तो ओते दाइट, आई होप आपने इस वीडियो में बहुत इंजॉय करा होगा। तो गाइज मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पूरा तोतलापंती में होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई तोतले में हैं, तो उनको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपने इस वीडियो में इंजॉय करा होगा, प्यार दिखा देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, सी यू। वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।